वहीं पूर्व सीएम हुड्डा के आरोपों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया। कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब 2005 में सत्ता पर आए थे तो 2014 तक उन्होंने जो जीडीपी थी वो कम की, जब भाजपा सरकार आई है तो जीडीपी बढ़ गई है। जो कर्ज की बात करें तो 3.24 लाख करोड़ हो गया है। क्या कहते हैं सरकार की तरफ से माननीय शिक्षा वाले मंत्री कंवरपाल गुर्जर? जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उन सब का मानना है कि हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति है वो सब सही है। स्वयं हमारे वित्त मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हरियाणा का जो प्रबंधन है वो सबसे अच्छा है। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो प्रदेश का बजट जो था वो 60,000 करोड़ का होता था, आज वो 1,72,000 करोड़ का है। तो स्वाभाविक ये है कि जब हमारा काम बढ़ेगा तो कर्जा बढ़ेगा। लेकिन ये कर्जा जो है जो सरकार ने लिया तो विकास के कामों पर खर्च होगा, उससे सरकार की आमदनी बढ़ गई। अगर उस टाइम 60,000 करोड़ आमदनी थी तो आज आमदनी बढ़ के 1,72,000 करोड़ है। तो विकास के काम जितने रहे जो विशेषज्ञ हैं उन सबका मानना है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। सर भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा कि जो भाजपा फीका का जो सरकार है वो श्वेत पत्र जारी करी, खर्चा कहाँ कर रहे हो, कहाँ यूज किया उन्होंने पैसा? हम फीका का तो नहीं है, हमें घोषणा करते हैं, हमें शिलान्यास करते हैं, हमें उसका उद्घाटन करते हैं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि एक ने घोषणा कर दी और उसके 20 साल बाद तक भी वहाँ पत्थर ऐसे लगे। कितने ही पत्थर हम दिखा सकते हैं जो कभी चौधरी बंसी लाल ने लगाए थे या चौधरी बदन लाल ने लगाए थे, वो अब तक भी ऐसे के वैसे पड़े थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जो लगाए थे वो भी अब तक वैसे के वैसे हैं। लेकिन यहाँ तो सरकार जिस चीज़ का शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी 2 साल बाद नहीं करते। तो सर आप श्वेत पत्र जारी करें, क्या क्या काम किए? नहीं, जो भी है उसमें हम हर बात के लिए तैयार हैं, प्रश्न उठाए। विधानसभा का सेशन आएगा तो आ जाए, हर बार हम तो कहते हैं आए, हर बार कहते हैं हम घेरेंगे, वो अपने आप गिर के चले जाते हैं वहाँ से और बाद में हाउस छोड़ के दौड़ते हैं वहाँ से। हम बंद की बार भी घेरे लेके आओ, कोई बात अगर हाउस में लेके आएंगे तो जाते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जो आरोप लगा रहे हैं वो विधानसभा में बात करें, वो खुद ही घिर जाते हैं और विधानसभा छोड़कर भाग जाते हैं। अब देखें जब विधानसभा चलेगी तो कैसे आरोप लगाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जमुना से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।